हेडिंग दियो नेचुरल वेजिटेशन हैला। नेचुरल वेजिटेशन माने कोन करे, नेचुरल वेजिटेशन माने कोन, फ्लोरा की फौना, फ्लोरा प्लांट कम्युनिटी। अच्छा प्लांट कम्युनिटी। अच्छा तो आम देखा जो इंडिया रो, इंडिया रो आम देखिया, इंडिया ओडिसा देखिबा हैला। इंडिया रे आमर कोन कोन सब विभिन्न प्रकार जो माने वेजिटेशन माने टोटली फॉरेस्ट, कोन कोन फॉरेस्ट कवर हो, विभिन्न सेगमेंटेशन को आइसे। अरे फॉरेस्ट को तो वाइल्ड रो लंग्स को जान जे तो अरे वाइल्ड रो लंग्स को जाने गरम प्रबल हो जरे। अच्छा मत कह, आम जानी जी कार्बन डाइऑक्साइड आसूस, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जर्व कर दुटा मध्यम अच्छे, गोटे ओसन आ गए फॉरेस्ट। किंतु ओसन टा प्राय सैचुरेशन में पहुंची सारा, कारण सबसे यूरोप फिरोप सब वेस्टर्न कंट्री गुडा इंडस्ट्रियलाइजेशन केवे होगा, से सब कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ 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 अवस्था सांघातिक सारा। आ बर्तमान मो पाखे गोटे है वेजिटेशन है, जिते फॉरेस्ट कवर आम बढ़ेगा, जिते फॉरेस्ट कवर को आम डिप्लीशन रु बचेगा से बढ़िया हम आम हेल्थ आम मैंने यार्थर हेल्थ बहुत भल। तेणु सी सब क्लाइमेट चेंज से आस्पेक्ट छाड़ दिए, बर्तमान आम जो फोकस आज रही है नाचुराल भेजिटेशन मैंने केत प्रकार सब अच्छी इंडिया आद रेस्पेक्टिव सब कौन कौन एक्जामपल, कारण एगुड़ाक रिलीव पॉइंट अफ्यू बहुत इंपोर्टेंट। से भाई ओडिशा भी देखा गत ओडिशा पकईला, तेनालीर कौ टाइप सब जो फॉरेस्ट कवरेज अच्छी कैसे टाइप विभक्त कराई है, प्रति टाइप एक्जामपल कौन कौन ये जानले आम काम हो ओपीएससी पॉइंट अफ व्यू है। तेणु देख फास्ट नाचुराल भेजिटेशन लिखा लिखी दिव सिंस इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स, टे नोट लिखिद है जो जो थे तुम जो कपि तुम जियोग्राफी लिखुच सब अलग अलग कपि बन ना बन नगरी सब ना गोटा कर सब गोल घंटे लिखुच। अच्छा ठीक अच्छे नाचुराल भेजिटेशन हेडिंग देखिए लिख, नाचुराल भेजिटेशन हेडिंग देखिए लिख लिख देख आम छोटे जो छोटे छोटे टपिक आम अच्छी मिनराल्स है, नाचुराल भेजिटेशन है, विभिन्न एनर्जी रिसोर्सेस है, कि ट्रांसपोर्टेशन रास्ताघाट कौन कौटी कौन अच्छी सब एटा टी छोट छोट टपिक गुड़ा एगुटा आम अलग अलग क्लास में डे करदे। जो लंबा टपिक आम जिओमॉर्फिक प्रोसेसेस है, फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट है, एगुटा सब लंबा लंबा टपिक गुड़ा, तो आपाई आमको लंबा क्लास दरकार। आ क्लाइमेट मनसून टा भावुला स्टार्ट करने कि मनसून रहा हूँ कौन कि मिनिमम मनसून आमको तीन घंटा समय दरकार, तीन घंटा समय लगे सीटा सारे तेनाली तीन घंटा समय दुटा क्लास दरकार, कि चार घंटा लग जाए यदि पूरी स्लो करके पढ़ा नोट डाकी डाक चार घंटा समय पड़े, तेणु से लंबा क्लास दरकार। मनसून तो क्वेश्चन जमी आस एगुड़ा भी क्वेश्चन आसूस, एक्जामपल फेक्जामपल क्वेश्चन बेले बेले पड़े आसूस देख एगुटा लिख। आ जिओमॉर्फिक प्रोसेस आसव, जिओमॉर्फिक प्रोसेस, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम एगुटा तो क्वेश्चन जमी आसो ना, जियोग्राफी कौन क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पड़ो। आ बेस जो आम तीन टा अच्छी सोशल जियोग्राफी आ फिजिकल जियोग्राफी आम इकोनोमिक जियोग्राफी बेसी क्वेश्चन तो मैंने फिजिकल जियोग्राफी बुझे ना, इकोनोमिक जियोग्राफी आ जो मिनरल रिसोर्स है इकोनोमिक जियोग्राफी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन सोशल जियोग्राफी बुझे ना, कि मेन जिन फिजिकल जियोग्राफी मैक्सिमम क्वेश्चन आसो। अच्छा लिख, सिंस इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स कौ दिन गोटे क्लाइमेट मनसून स्टार्ट हाँ, मनसून क्लास के मिस कर मनसून क्लास मिस कला तार दी छः मार्क खंडे प्रिलिम कि दी मार्क चार मार्क खंडे प्रिलिम कमला मत कहीन कमी होगा, कारण मनसून सब बहुत गुड़े कनसेप्ट हो आई टी सी जेड विभिन्न कनसेप्ट जो अच्छी सब मनसूनटा भले बुझे जाक पड़ो। आम तो खाली मनसून माउंटेन रेंज कौटी वर्षा हम कौन गोटे जस्ट खाली गोटे ओभर व्यू नहीं थे, कि रियल जिन जो कनसेप्ट गुड़ाक करना तर पूरा मनसून रे पूरा नोट बनवा पूरा टोटाल मनसून र आता मिनिमम जब क्वेश्चन दी तीन दुटा खंडे आसा से भी मेन भी दरकार, मेन भी मनसून इंपोर्टेंट गोटे ना, तेणु से अनुसार मनसून क्लास कहीं मिस करनी कि कौन क्लास तो मिस कर कथ नुह, मनसून क्लास स्पेशली मिस कर कथ नुह। आज क्लास कौन कि आज क्लास हेल्ले भी तुम रेकर्डिंग शुणी हाँ छाड़ टिकेट कौन डकई लिखीदेव, कि बेस कनसेप्ट चलिए गुड़ा ना लिख। सिंस इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स, वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव डेवलप्ड हियर, लिख सिंस इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स, since india is a land of various climatic regions, various kind of varied kinds of natural vegetations,
varied kinds of natural vegetations have developed here. Varied kind of natural vegetations. Varied kind of natural vegetations have developed here. Full stop. Hello. It can be said that. It can be said that natural vegetations of India follows rainfalls. It can be said that natural vegetation of India follows rainfalls. Rainfalls अनुसार हमें बड़े हमें जो rainfall लोन कोई थी ली हमें जो mountain range लोन अनुसार कोई थी ली कोई देर बेसी बेसी rain हो जी पुण्य कीमती कमी जाओ जी बृष्टि छाया area पूरा रहो जी तब रे माने बृष्टि अभिमुख area बृष्टि विमुख area प्रति माने प्रतिमुख area सुबह में discussion करते थे बड़े overall view total whole India mountain range को नहीं कीमती कोई वर्षा हो जी कहीं desert पड़ी जाओ जी कोई देर कौन कौन सो discussion करते थे तो सेटा मैं बहुत थोड़ा डिस्कसन करेंटा भल भाव तुम मन थे भावी तेणु से अनुसार देख इट कैन बी सेड दैट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया फॉलोज रेनफॉल्स है द इंडियन वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू कौन कौन ग्रुप्स लिखा बर्तना प्रथम एक नंबर देखे लिख तो कौन कौन ग्रुप है प्रथम कही दूसरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन आर सब एग्जांपल गुडा भी मन रखा दरकार ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन डेजर्ट और सेमी एरिड वेजिटेशन कारण मैंग्रोव वेजिटेशन तापरे मॉइस्ट सबट्रॉपिकल मॉन्टेन वेजिटेशन मॉइस्ट टेम्परेट मॉन्टेन वेजिटेशन है द हिमालयन वेजिटेशन एमती सब अच्छी से आठ प्रकार जो अच्छी सब देखा आ तुम जानते आम तो प्राय आम आठ डिग्री उपन्यास जो मेन मेनलैंड इंडिया आठ डिग्री बोधे स्टार्ट हो छः हजार डिग्री छः हजार नौ आठ बोधे स्टार्ट होमर जो लास्ट धनुषकोटीटा के अच्छी ना लैटिट्यूड के लैटिट्यूड के तुम से दिन करते इंडिया लैटिट्यूड के मेनलैंड मानने सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडा कैसे कि प्रथम क्लास हम जियोग्राफी जो स्टार्ट कले नी के मैं मेनलैंड रहा के अरे के आठ डिग्री चार मिनिट आठ डिग्री चार मिनिट आमर जो पूरा इंदिरा पॉइंट जो आम अच्छी आंडामान निकोबर तले जोटा से छः डिग्री के छः डिग्री चार मिनिट कि आठ डिग्री चार मिनिट हूँ धनुषकोटी मैंने धनुषकोटी तो नुटा कौन कहते हैं कन्याकुमारी कन्याकुमारी जो शेषटा आम मैं इंडिया मेनलैंड हाँ मन रख तेनालीर प्राय ट्रॉपिकल एरिया तापर टेम्परेट एरिया मेन तो ये ना हिमालयटा रोचे आम टे पोलर क्लाइमेट किसी भी माउंटेन रीजन गुड़ाक देखा बरफ बरफ जो तेणु अच्छा आम फास्ट देख प्रथम हेडिंग दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन लिख आम देखा जो तरह माने कौन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कैरेक्टरिस्टिक कौन एग्जांपल कौन ये खाली जाना बेस जाना दरकार ना ये लिखा लिख ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन लिख ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन वेजिटेशन मैंने जंगल फंगल गच मैं पूरा प्लांट कम्युनिटी कमी कौन रही ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन लिख देख ये स्टार्ट हम कौन कहल तमिलनाडु मैंने तलु आम साउथ आड़े जाऊँ पूर्व है कहीं विश्वरेखाटा साउथ पटे अच्छे ना आम तेणु साउथ पूर्व आम जा प्रथम तो जान प्रथम केरला फेरल सांघातिक वर्षा सब मनसून मनसून आसगला केरला कोस्ट वर्षा आरंभ होगा तेणु ये टाइप सब आम जो माउंटेन रेंज देखिए वर्षा केमी होता से पिक्चरटा को आखि आगे रख है देख ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख देख दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन दोज एरिया दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन दोज एरिया व्हेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर दैन 200 सेंटीमीटर व्हेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर दैन 200 सेंटीमीटर मान सांघातिक वर्षा केरला फेरला एरिया सब है द एनुअल वेजिटेशन इज मोर दैन कौन 200 सेंटीमीटर केरला तमिलनाडु तमिलनाडु रिट्रीट मेंशन रे भी तमिलनाडु भी वर्षा होना प्रबल बध आंध्र वर्षा हुए तेणु जो एरिया बेसी वर्षा 200 सेंटीमीटर अधिक रेनफॉल हो टेम्परेचर इज मैंने हाई ऑल द ईयर है बिकॉज साउथ लोक गुड़ा सभी कला कला साउथ लोक आफ्रिकन लोक गुड़ा बेस मैं इक्वेटोरियल एरिया लोक गुड़ा बेस कला कला ना कहीं हाई टेम्परेचर है देख द वेजिटेशन इज फाउंड इन दोज एरिया व्हेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर दैन 200 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर इज हाई ऑल द ईयर एंड द टेम्परेचर इज हाई ऑल द ईयर है लिख तर डिस्ट्रीब्यूशन लिख कौ कौ एरिया आम देखा जाटा एमती कौ कौ एरिया आमर नर्थ ईस्ट आमर तो आगे साउथ ईस्ट मनसून जो भी वर्षा प्रबल हुए सेपट आसला बेलू नर्थ ईस्ट मनसून सेपट स्टार्ट हुए रिट्रीट मनसून से स्टार्ट हुए वर्षा बुझुचना तेणु जो जो एरिया स्टार्ट से वर्षा तो बेस बेसी वर्षा हे तो
ତେଣୁ ଲେଖ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖ ଏସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଲେଖ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, କାରଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କିମ୍ବା ଏମିତି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ମେଘାଳୟ ଫେଘାଳୟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆସାମ ଫାସ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏବେ ଜାଣିଛୁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆମର ଯେଉଁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏକ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଲେଖ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆସିଲେ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ତ କେରଳ ଏସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନା। ତ ଲେଖ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଆଣ୍ଡ ତିନିରେ ହେଲା ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବର୍ଷା ହେବ କେରେ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନା ଆରବିଆନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ? ଆରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇକି ସେଠି ବର୍ଷା କରୁଛି? ଆରେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇକି ବର୍ଷା କରୁଛି? ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଏସବୁ ଏସବୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଟ୍ରପିକାଲ ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ। ତାପରେ ଲେଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲି ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ହରିତ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା କିରେ, ହରିତରେ ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ ମନେ ଅଛି? ରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଥିବ ଜଣ ମନେ ଥିବ, ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ କହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଆସୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନଥିଲା ଆମର। ଲେଖ ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଲେଖ, ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗଛକୁ ଲାଗାଲୁଗି ହେଇକି ଥିବ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଢାଙ୍କୁଣି ହେଇକି ଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁନଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଥିବେ ମନେଥିବ ସେମାନଙ୍କର। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିରହରିତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକରେ ଲେଖ, ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍। ଲେଖ ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଲା। ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ଗଟ୍ ଇଟ୍? ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍। ତାପରେ ଲେଖ ଦେୟାର 30-60 ମିଟର ହାଇଟ୍, ଦେୟାର 30-60 ମିଟର ଇନ୍ ହାଇଟ୍, ଦେୟାର 30-60 ମିଟର ଇନ୍ ହାଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଉଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼, ଆଣ୍ଡ ଦ ଉଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼। ଉଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଲେଖ ଦ ଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକାଲି, ଦ ଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକାଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଲେଖ ଦ ଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକାଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଲା, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହାର୍ଡ଼, ଯେହେତୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଇକୋନୋମିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଟିକେ କମ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ ଉଡ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ ଉଡ୍। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିବ ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେସନ୍ ବୋଲି ହେଲା। ଲେଖ ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଲେଖ, ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖ, ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ କିଏ ଲେଖ, ରବର ରବର କମା ମାହାଗୋନି, ମାହୋଗନି MAHOGANY, ରବର ମାହୋଗନି, ଇବୋନି ରବର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟାକୁ ନା ପୁରା ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇକି ରଖ, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରବର ମାହାଗୋନି ଇବୋନି ଆଇରନ୍ ଉଡ୍ ପାଲ୍ମସ PALMS ପାଲ୍ମସ ବାମ୍ବୋସ କେନ୍ସ ହେଲା, ରବର ମାହାଗୋନି ଇବୋନି ଆଇରନ୍ ଉଡ୍ ପାଲ୍ମସ ବାମ୍ବୋଜ କେନ୍ସ CANES କେନ୍ସ ସିନ୍କୋନା, ସିନ୍କୋନା ସିନ୍କୋନାଟା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲାଣି, ସିନ୍କୋନା CINCHONA ସିନ୍କୋନା, ସିନ୍କୋନା ରୋଜ୍ ଉଡ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କାର ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ୍ର ହେଲା। ଯଦି ପଡ଼ିଲା ମାହାଗୋନିଟା ବି ବହୁତ ଥର ଆସେ, ମାହାଗୋନି ଆଉ ସିନ୍କୋନା ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ ବାମ୍ବୋସ ପାଲ୍ମ ଆଇରନ୍ ଉଡ୍ ଇବୋନି ମାହାଗୋନି କେନ୍ସ CANES କେନ୍ସ ଆଉ ସିନ୍କୋନା ରୋଜ୍ ଉଡ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେସନ୍ର କେଉଁଟା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ଲେଖିସାରିଲ ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, ରବର ମାହାଗୋନି ଇବୋନି ଆଇରନ୍ ଉଡ୍ ପାଲ୍ମସ ବାମ୍ବୋଜ କେନ୍ସ ସିନ୍କୋନା ରୋଜ୍ ଉଡ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା।
अच्छा तापर देखो ट्रॉपिकल सेकेंडरी लिखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन। आम कौपुर जाऊँ ना तौपुर जाऊँ साउथ इंडिया आड़ जाऊँ बर्तमान ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन। साउथ इंडिया जाऊँ कौन तार भी तो नॉर्थ ईस्ट में भी तार वेजिटेशन देखा दूसरी मैंने साउथ देखा चारिड़े भी देखा दूसरी विभिन्न जगह ये सब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन। देखो दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन हैज डेवलप इन दोज एरिया मुझे कहली रेनफल अनुसार नामकरण कराई है। जब दुई सौ अधिक है तो आम कह ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, जब शहे दुई सौ भितर है आसा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन। देख दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन हैज डेवलप्ड इन दोज एरिया, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन हैज डेवलप्ड इन दोज एरिया व्हेयर द एनुअल रेनफल इज बिटवीन शहे रु दुई सौ मैंने कौन सेंटीमीटर। रेनफल को मीटर द्वारा मपा जाए, रेनफल को मीटर द्वारा मपा जाए, रेनफॉल को मीटर द्वारा मापा जाए गज, हां इन गज, इन गज। आ अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक को सिस्मोमीटर, हां कौन सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर सर, सिस्मोमीटर। आ ब्लड प्रेशर को, अरे ब्लड प्रेशर हाइग्रोमीटर, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर हाइग्रोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर टा स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर टा मपा जाउ छी सेटा को स्केल रहउ छै, सेटा एब्सोल्यूट ना हेडा रिलेटिव ना हेडा वैक्यूम प्रेशर कोटा हेडा एब्सोल्यूट, हां एब्सोल्यूट प्रेशर सेटा हला। अच्छा अच्छा मत फास्ट कह तपर लिख दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन हैज डेवलप्ड इन दोज एरिया व्हेयर द एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 100 रु 200 हला। इट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मॉइस्ट मॉनसून वेजिटेशन भी लोक माने कहंदी। लिख इट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मॉइस्ट मॉनसून वेजिटेशन। हला मॉनसून वेजिटेशन द डिस्ट्रीब्यूशन लिख, डिस्ट्रीब्यूशन रे लिख, डिस्ट्रीब्यूशन लिख, डिस्ट्रीब्यूशन लिख, डिस्ट्रीब्यूशन लिख। द ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट मैंने कौन कोई एरिया देखा जाए। देखो वेस्टर्न स्लोप रहा है कौन ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन, कि ईस्टर्न स्लोप ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन। तो लिख दिया द ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट, द तेराई रीजन ऑफ हिमालय। तेराई रीजन मैंने गोटे कौन कौज करे तेरा रीजन कौ स्टेट उत्तराखंड है तेराई घरवाल डिस्ट्रिक्ट, तेराई घरवाल डिस्ट्रिक्ट। हाँ लिखिद द तेराई रीजन ऑफ द हिमालयज, तेराई रीजन ऑफ हिमालयज, बिहार उत्तर प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्यप्रदेश एटसेट्रा है। यहाँ को डेसीडियस फॉरेस्ट कहीं कहते पत्र झड़ा दिए बोली गछगुड़ा पत्र झड़ा दिए, डेसीडियस मैंने कौन पत्र झड़ा जो पत्र झड़ा दिया दिए डेसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। मेनली समर सीजन में गछगुड़ा पत्र झड़ा दिखती लिखी दिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ड्यूरिंग ड्राए समर सीजन, ड्यूरिंग ड्राए समर सीजन, ड्यूरिंग ड्राए समर सीजन ट्रीज सेड देयर लीव्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी सो दैट दे कैन मेंटेन देयर ह्यूमिडिटी। ड्यूरिंग ड्राई सीजन ट्रीज एंड ट्रीज सेड देयर लीव्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी केमी दिगरे कारण गछ गुड़ा पत्र मेन है गछ थ्रो ट्रांसपिरेसन होटेसन होना ना तेणु जलय जलय अंश कमुच ना तो से अनुसार पत्र झाड़ीदे तार ह्यूमिडिटा मेन्टेन हो गचर जेहतु ड्राई सीजन में ह्यूमिडिटी कम थाए तेनाली कौन हुए समर सीजन में पत्र झड़ा दे दिखाई लिखि था यहाँ ड्यूरी ड्राई समर सीजन ट्रीज सेड देयर लीव्स बिकज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी सो दैट दे कैन मेन्टेन देयर ह्यूमिडिटी। ड्यूरी ड्राई समर सीजन ट्रीज सेड देयर लीव्स बिकज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी सो दैट दे कैन मेन्टेन देयर ह्यूमिडिटी, सो दैट दे कैन मेन्टेन देयर ह्यूमिडिटी। हेन्स एवरेज हाइट ऑफ द ट्रीज इज 20 रु 40 मीटर,
हेन्स आभरेज हाइट ऑफ द ट्रीज इज 20 रु 40 मीटर सेठी होला 30 रु 60 मीटर एठी होची 20 रु 40 मीटर आउ द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमिकली लेखो द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमिकली जो साल पियाशाल टिक सैंडलवुड एगुरा सब मलबरी महुआ आमला शिशु अच एगुरा सब आसूस ट्रॉपिकल मॉस डेसिडुअस वेजिटेशन अनुसार लिखी दि मेन ट्रीज किए किए मेन ट्रीज लिख मेन ट्रीज है टिक आम पढ़ा ना ट्रॉपिकल मॉस डेसिडुअस वेजिटेशन अरे गत्र पढ़ ना कि अरे गत्र पढ़ ना प्रीलिम रे ट्रॉपिकल मॉस डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा ना देख ट्रॉपिकल ड्राई डे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वेजिटेशन रो एग्जांपल रो ट्री गुडा लेख टिक टी ई ए के दीपा तो थिला टिक थिला और साल भी थिला क्वेश्चन रे टिक थिला और साल थिला हां टिक थिला साल थिला दीटा का आंसर साल दे थिला साल दे थिला कोन ओपीएससी थोड़ी दे छे साल अरे ओपीएससी थोड़ी आंसर दे छे मान जो दे छे ना बुझे ना ये तो दोसने को मन मन आंसर को ठीक ना कोन आमे कले हम देख जोठी भी देख सेटी साल भी हबो टिक भी हबो दीटा जंग करेक्ट एक्चुअली हला ओडिसा रे मेनली हमर बेसी साला गछ तनो दीटा जंग करेक्ट एक्चुअली किंतु ओडिसा रे मेनली ओडिसा रे हम देखिबा ना ओडिसा रे वेजिटेशन रे जो देखिबी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रे हमर आसी कोन ना हमर देखथि आसी साल साल रे होची सोरिया रोबस्टा हला एंड इट्स एलिज जमी पियाशाल है कुरुम गच कांग्रा धुआरा तापर ये सब जिन गुड़ा बांबूस भी मानने जो कहते दाब बांबू भी बांबूसा आरुन डिनाका आरु आरुन डिनाका आरुन डिनासिया आरुन डिनासिया बांबूसा आरुन डिनासिया सैंटिंग युवा सब आसूचे आम ओडार एक्चुअली साल हवा कथा कारण टिक तो बेस साल गच ओडार बुझे ना तेणु टिक भी यदि दबा से ओडिशा बेसिकली पचार तो है कारण एमती पचार तो शाड़ा बेसी करेक्ट हवा कथ देखा जाऊ पीसी वाला कौन आंसर दौर शाड़ा मोर करेक्ट ओडिशा पॉइंट ऑफ व्यू किंतु टिक भी किसी भूल नुहे टिक भी तो हुए है लिख यहाँ एग्जांपल लिख टिक साल से कह गुड़ा क्वेश्चन कले आम क्लारिटी आसो बहुत खाली जनरल थ्योरी पढ़ते हम जनरल थ्योरी पढ़ा बहुत क्वेश्चन तो करेक्ट करेंगे नो डाउट किंतु गुड़ा जो यहाँ क्वेश्चन जोड़ा रोज कन्फ्यूजन टाइप रे क्वेश्चन टाइम गुड़ाए क्वेश्चन लगे ही आमको आइडिया मिले कौटा आम मार्वा बुझे ना यहाँ लिख मेन ट्री हूँ टिक साल सैंडलवुड मलबरी महुआ आमला सीसम एटसेट्रा है टिक साल सैंडलवुड कमा मलबरी महुआ आमला और सीसम एटसेट्रा है एगुड़ा सब हूँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन तापर लेखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन एटा मॉइस्ट डेसिडुअस सैंडलवुड भी मिले ना हां सैंडलवुड टा मॉइस्ट डेसिडुअस रस तापर देखो ट्रॉपिकल ड्राई सैंडलवुड कुने एकदम उभी हैची पुष्पा जानि थिवो अरे हैची ना नै चंदन गछ चंदन काठ रेड सैंडलवुड अच्छा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन लेखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन 10 नंबर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन एथरे कौन ना 50 रु 100 रेनफॉल आहुरी कम लेख द वेजिटेशन इज फाउंड इन दोज एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 50 रु 100 सेंटीमीटर ओडिसा रे पूरा एवरग्रीन देखा जाए जानते ना ठीक है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि एवरग्रीन पूरा देखा जाए ओडिसा रे हाँ तापर लेख ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन एवरग्रीन ओडिसा रे खाली कोटे जगह रे देखा जाए सेटा होचे सिंगल पाल रो कोरेरिया हां सेटा न हेडा उठ सेमी एवरग्रीन भी कहौचे बे पूरा एवरग्रीन भी नहीं सेमी एवरग्रीन अच्छा लेख दियो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन लेख ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन लेख दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन दोज एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 50 रु 100 सेंटीमीटर हैला 50 रु 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल कते 50 रु 100 सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूशन देख डिस्ट्रीब्यूशन लेख डिस्ट्रीब्यूशन को एरिया देखा जाए भाला ईस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात वेस्टर्न मध्य प्रदेश
साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, हरियाणा एंड द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, कारण वर्षा टी कमी जाऊँ ना 50 रु 100 सेंटीमीटर, एंड द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट लिख लो, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, वेस्टर्न मध्यप्रदेश, साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तापर सदर्न पंजाब, हिमा हरियाणा एंड द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट, एगुड़ा सब थी ड्राई डेसीडस वेजिटेशन देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक लिखी दिव्य कैरेक्टरिस्टिक कौन देख थे ट्री गुड़ा हूँ 6 रु 9 मीटर इन हाइट, कितना हाइट के कमी गलानी देख 6 रु 9 मीटर इन हाइट, तापर गछर चेर गुड़ाक बहुत माटी भितर को जाए पापाई कहना बहुत कम वर्षा हुए ना तेना बहुत डीप रूटेड एगुड़ा सब लिखी दिव द ट्री रूट्स सो गो डीप सो दैट दे कुड गेट व्वाटर फ्रम डेप्थ, द ट्रीज रूट गो डीप, द ट्रीज रूट गो डीप, द ट्रीज रूट गो डीप सो दैट दे कुड गेट व्वाटर फ्रम डेप्थ है लिख द ट्रीज द ट्री रूट्स गो डीप सो दैट दे कुड गेट व्वाटर फ्रम डेप्थ है फुल स्टॉप, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन हाव थिक बार्क, बकला गसर जो बकल है जो कौन कहते हैं बार्क है, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन हाव थिक बार्क, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन हाव थिक बार्क, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन हाव थिक बार्क, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन हाव थिक बार्क है लिप्स आर सो थिक एंड थर्नी लेख द लिप्स लेख लिप्स आर सो लिप्स आर ऑल्सो थिक एंड थर्नी सो दैट से देख जो बेसी जो राजस्थान फिर मरुभूमि गुड़ाक बेसी थर्नी टाइप थाए ना लिप्स देखो ना जो थर्नी गुड़ाक कहार मोडिफिकेशन बेले बेले पचारे थर्नी गुड़ाक लिप्स मोडिफिकेशन कारण ट्रांसपिरेसन जो व्वाटर लस हो गटेसन जो व्वाटर लस हो तेनालीराक कम करने से थर्न को मोडिफाइड जाए सब है तेणु बेले बेले पचारे ना थर्न गुड़ा कहार मोडिकेसन कौन लिप्र मोडिकेसन कहीं बिकज जो ट्रांसपिरेसन जो व्वाटरटा लस हो कि गटेसन जो व्वाटर लस हो सब कौन गटेसन जापर तो सब लिप्र सैड्रे कि एड्रे कि कड़े सब छोट छोट कणा टाइप थी जो हाइडा थोर्स कह जाए माध्यम भी व्वाटर किसी खसूस तौर को मैंने ये हो लस होता कह जाए गटेसन से मध्यम जो व्वाटरटा तौक खसूस व्वाटरटा लस हो प्रोसेसटा कह जाए गटेसन आज जो ट्रांसपिरेसन हो सरफेस रु मैंने पत्र सरफेस जो ट्रांसपिरेसन कि पत्र जो जो एड्स गुड़ाक सैड्रु जो जाऊँच गटेसन तेनाली मध्यम जमी न रो तेणु से गुड़ाक सब कौन कराता सी थर्न को मोडिफाइड हो जाए बेले बेले सब क्वेश्चन आसूचे है कौन लिखिले आम जेनराली कौन लिखिले लिप्स आर सो थिक एंड थर्नी सो दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेसन कुड बी लेसेंड है ये तो गोटे प्रकार मानने जब आम जी आहरी डेजर्ट को जी आहरी पूरा कंटा पड़ा जाए सब गुड़ाक ये तो टी थी होगी थाए थर्नी सो दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेसन कुड बी लेसेंड है कम कम कर मेन एग्जांपल लेख ट्री रण कौन कि एरिया देखा जाती महुआ महुआ बबुल पलाश महुआ बबुल पलाश तेंदु 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 खईर प्लम बानियन पीपल एगुड़ा सब है महुआ बबुल पलाश तेंदु खईर प्लम तापर बानियन बानियन तो एथर सैंडिक ना बजा था फाइकस बेंगालेनसिस तेनालीन देख जो गुड़ाकर किसी गचर ना भी सैंटिफिक ना मन रखीद सबुटा तो मन रखी हेनी किसी मन रखी थोड़ा कौन मैंजीफेरा इंडिका मैंगोर जमी बानियन रण फाइकस बेंगालेनसिस एम किसी पड़ जाऊँच बेले बेले आगुरी पढ़ था फास्ट टाइम ये पकई थे 2020 महुआ बबुल पलाश तेंदु खईर प्लम बानियन आउ पीपल एटसेट्रा एगुड़ा सब कैरेक्टरिस्टिक कहार डेसीडियस ड्राए ट्रॉपिकल ड्राए डेसीडियस वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राए डेसीडियस वेजिटेशन है लिख डेजर्ट और सेमी एरिड वेजिटेशन 4 नंबर लिख डेजर्ट और सेमी एरिड वेजिटेशन
डेजर्ट और सेमी एरिड वेजिटेशन लिख डेजर्ट और सेमी एरिड वेजिटेशन यही आहुरी कम मान पचास रु भी कम रेनफॉल बुझे ना लिख दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द इन द एरिया हैविंग लेस दैन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया हैविंग लेस दैन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया हैविंग लेस दैन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया हैविंग लेस दैन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल देखो हियर द ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल श्रब्स है हियर द ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल श्रब्स देखो हियर द ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ सम स्मॉल श्रब्स हियर द ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ कौन स्मॉल श्रब्स हियर द ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल श्रब्स है जनरली देयर मैक्सिमम हाइट इज अप टू 6 मीटर देख जनरली देयर मैक्सिमम हाइट इज अप टू 6 मीटर generally their maximum height is up to 6 meter generally their maximum height is up to 6 meter generally their maximum height is up to kete kire generally their maximum height is up to 6 meter like the trees have a deep roots and thick and thorny leaves like the trees have a deep roots thick and thorny leaves the trees have a deep roots and thick and thorny leaves distribution like ko area re pa dekha jae distribution re like western rajasthan distribution re like western rajasthan डिस्ट्रीब्यूशन लिख वेस्टर्न राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन लिख वेस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात वेस्टर्न राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात वेस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात वेस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात एंड द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट मैंने मरुभूमि गुड़ाक कौन अपने गिर मरुभूमि से राजस्थान थर मरुभूमि युवा तो कौन वेस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न गुजरात एंड द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट है गच्छ कौन देखा जाए मेन ट्री लिख पाल्म कैक्टस बबुल एटसेट्रा मेन ट्रीज के पाल्म PALM पाल्म कैक्टस बबुल एटसेट्रा पाल्म कमा कैक्टस कमा बबुल एटसेट्रा एटा सब देखा जाए डेजर्ट रे लिख लापर लिख पांच नंबर लिख मैंग्रोव वेजिटेशन पांच नंबर लिख मैंग्रोव वेजिटेशन मैंग्रोव वेजिटेशन मैंग्रोव वेजिटेशन लिखो मैंग्रोव वेजिटेशन लिखो दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया लिखो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सी कोस्ट दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सी कोस्ट डेल्टा ओ ईस्टवारी कथा कही थी अरे डेल्टा ओ ईस्टवारी कथा डिस्कशन करते कि नहीं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ुते डेल्टा कौन ईस्टवारी कौन अरे ईस्टवारी और डेल्टा कौन डिफरेंस माने बे ऑफ बेंगल जो रिवर गुडा पड़ते हैं डेल्टा फॉर्मेशन करते ईस्टवारी फॉर्मेशन करते अरे बे ऑफ बेंगल जो मैंने पढ़ी से कौन करते डेल्टा ना ईस्टवारी फॉर्मेशन
ଆଜମାନେ ଆରବିଏନ୍ସିରେ ଏସ୍ଚୁରି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ବିକଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ଼ ବୁଝିହେଉଛୁ ନା ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ପଡ଼ିନି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋ ସ୍ପିଡ଼ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏସ୍ଚୁରି ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଲେଖ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଲେଖ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସି କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ହେଲା ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲୋୟର ସି କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସି କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ହେଲା ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ଦ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ହେଲା ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ଦ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ଲୁଣି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ଯେଉଁ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏରିଆରେ ଆସି କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ଦ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ଆରେ କାଲି ନା କେଉଁଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରୁଥିଲେ ମାର୍ସି ସଏଲ୍ କ'ଣ ଇଏ ସଏଲ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ମନେଥିବ ତ ଦି ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମାର୍ସି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଦ ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ହେଲା MARSHY ମାର୍ସି ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖ ହିଅର୍ ଦ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖ ଦ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟା ଦ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟା ହେଲା ଦ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟା କମା ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ମହାନଦୀ ଦ ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ମହାନଦୀ କମା କ୍ରିଷ୍ଣା କମା ଗୋଦାବରୀ କମା କାବେରୀ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ କାବେରୀ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ହେଲା ସମ୍ ପାର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟର କିଛି ପାର୍ଟରେ ବି ଥାଏ ମେନ୍ଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ହେଲା ତ ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଲେଖ ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ କିଏ ଆରେ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଟ୍ରିଜ୍ର କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିଲେ ମୋତେ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ର ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଏରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ସୁନ୍ଦର ବନ ଅନୁସାରେ ଆଉ ରାଇଜୋପରା ଆଭିସିଏନା ହେରିଟ୍ରିଆରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି ଏରା ସବୁ ଥାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକର ମାର୍ସି ସଏଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ରୁଟ୍ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଥିବ ଆମ ରୁଟ୍ଟା ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ହେବ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜିଓ ମାନେ କ'ଣ ଜିଓ ମାନେ ଆର୍ଥ ଆର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ଜିଓ ମାନେ ଆର୍ଥ ଆର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ କହିବା ମାନେ ଟୁ ଆର୍ଥ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଯଦି ମୁଭ୍ କଲା ଗଛର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ଯଦି ତଳକୁ ନ ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ବାହାରିକି ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ନେଗେଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ଓଲ୍ଟା ଆର୍ଥ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ କହିବା ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ଗୋଟେ ହେଲିଓଟ୍ରଫିକ୍ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ର କାମ ହେଲା ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ହେଲିଓଟ୍ରଫିକ୍ ହେଲା ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଗଛର ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଉପରି ଭାଗଟା ତେଣୁ ହେଲିଓଟ୍ରଫିକ୍ ମାନେ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ସନ୍ ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ଲି ହେଲିଓଟ୍ରଫିକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ଲି ହେଲିଓଟ୍ରଫିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ଏଇଟା ସବୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଏଇଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ର ଯେଉଁ ଥାଏ ଭେଜିଟେସନ୍ଟା ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ଲି ଜିଓଟ୍ରଫିକ୍ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଥାନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଆଉ ଲେଖିଦିଅ ସବୁ ତ କେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଦେଖ କୋକୋନଟ୍ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ପାଲ୍ମ ହେଲା କେନ୍ସ ହେଲା ବାମ୍ବୋ ତାପରେ ସୁନେରିଟା ଫୋଏନିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଖ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ହେଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ପରେ ହେଲା କୋକୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମାନେ MANGROVE ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ MANGROVE ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ କମା କୋକୋନଟ୍ କମା ସୁନ୍ଦରୀ କମା ପାଲ୍ମ କମା କେନ୍ସ କମା ବାମ୍ବୋସ୍ କମା ସୁନେରିଟା କମା ଫୁଏନିକ୍ସ ସୁନେରିଟା କମା ଫୁଏନିକ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଡେଲ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କହନ୍ତି କିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ବା ସୁନ୍ଦରବନ ହେଲା ବିକଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ସେଠି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରବନ କହନ୍ତି ଲେଖିଦିଅ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ଡେଲ୍ଟା ଅଫ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା ଡେଲ୍ଟା
द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगा डेल्टा, द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा, द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड द सुंदरवन, इज कॉल्ड द सुंदरवन बिकॉज ऑफ द अबाउंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज, बिकॉज ऑफ व्हाट अबाउंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज है, इज कॉल्ड सुंदरवन बिकॉज ऑफ द अबाउंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज है। एटा गला लिख मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन, लिख छिख मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन, मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन माउंटेन वेजिटेशन मैंने माउंटेन रीजन पर मैंने कौन ना अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड रे थे बर्तमान देखे प्लेन आउ प्लाटू एरिया सब देखीदे बर्तमान माउंटेन उपरको जावा देख मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन एमओ एन टी एन माउंटेन वेजिटेशन मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन देख दिस वेजिटेशन इज फाउंड एट द हाइट ऑफ 1070-1500 मीटर इन द पेनिनसुलर इंडिया, दिस वेजिटेशन इज फाउंड एट द हाइट ऑफ 1070-1500 मीटर इन द पेनिनसुलर इंडिया, मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन है, मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन, 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 मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन लिख दिस वेजिटेशन इज फाउंड एट द हाइट ऑफ 1070-1500 मीटर इन द पेनिनसुलर इंडिया, दिस वेजिटेशन इज एवरग्रीन, दिस वेजिटेशन इज एवरग्रीन। आज ये वर्ड गुड़ा बहुत सॉफ्ट है, द वुड्स द ट्रीज वुड्स आर ऑलमोस्ट सॉफ्ट, ऑलमोस्ट सॉफ्ट, जो ऑलमोस्ट सॉफ्ट है इज ऑलमोस्ट सॉफ्ट। तापर लिख डिस्ट्रीब्यूशन लिख वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी लिख सब माउंटेन रेंज गुड़ा तो कौन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, कार्डामन हिल, सानामलाई हिल सब लिख डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लगे लेखा लिखला डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, द नीलगिरी, द कारामन हिल, सानामलाई हिल से गुड़ा सब गच्छ गुड़ा कौन सब पोम ग्रानेट ओलिव लिखिता देखीद ना गच्छ सब पत्र थे अच्छा लिख मॉइस्ट टेम्परेट माउंटेन वेजिटेशन, मॉइस्ट टेम्परेट माउंटेन वेजिटेशन ये गला मॉइस्ट सबट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन तार मॉइस्ट टेम्परेट टेम्परेट माउंटेन वेजिटेशन लिख सबट्रॉपिकल आगे ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल माउंटेन टेम्परेट लिख मॉइस्ट टेम्परेट आम सब ओडिशा मॉइस्ट टेम्परेट माउंटेन वेजिटेशन लिख मॉइस्ट टेम्परेट माउंटेन वेजिटेशन लिख ल दिस वेजिटेशन इज फाउंड एट द हाइट ऑफ केते ऑफ मोर देन 1500 मीटर, वेजिटेशन इज फाउंड एट द हाइट ऑफ मोर देन 1500 मीटर, इट इज मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, इट इज मोस्टली फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया, द फॉरेस्ट इज नॉट वेरी डेंस, द फॉरेस्ट इज नॉट वेरी डेंस, देयर आर श्रब्स ऑन द सरफेस, देयर आर कौन श्रब्स एस एच आर यू बी एस श्रब्स एंड कौन सरफेस यहाँ भी सही सब देखा जाए देख हिल्स अफ आनामलाई नीलगिरी एवं पालनी पालनी हिल्स आनामलाई हिल्स हिल्स अफ आनामलाई सब देखा जाए लेख हिल्स अफ आनामलाई नीलगिरी एंड पालनी हिल्स अफ आनामलाई नीलगिरी एंड पालनी
मेन ट्री लेख मैग्नोलिया मैग्नोलिया यूकेलिप्टस इलम ईएलएम लिख दियो मेन ट्रीज कोरा मैग्नोलिया एम ए जी एन ओ एल आई ए मैग्नोलिया यूकेलिप्टस इलम ईएलएम एटसेट्रा लिख मेन ट्रीज लेके से मैग्नोलिया मैग्नोलिया यूकेलिप्टस इलम एटसेट्रा मेन ट्रीज है मैग्नोलिया कमा यूकेलिप्टस कमा इलम ईएलएम कमा एटसेट्रा देख एगुरा सब पढ़ला परीक्षा गच्छ पत्र गुट पढ़ गए लिखे गोटे मेनली गोटे गोटे पॉइंट आर बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसे गोटे नोट करके लिख तले गोटे नोट बना नोट करके लिख गोटे लिख 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 देर इज फाउंड सबट्रपिकाल भेजिटेशन ऑन द स्लोप ऑफ लेस देख देर इज फाउंड सबट्रपिकाल भेजिटेशन ऑन द स्लोप ऑफ लेस हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट देर इज फाउंड सबट्रपिकाल भेजिटेशन ऑन द स्लोप ऑफ लेस हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु केरला कर्नाटक तमिलनाडु तापर लिख द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिल्स नीलगिरी अनामलाई एंड पालनी देख द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ नीलगिरी अनामलाई एंड पालनी आर कॉल्ड सोलाज एस एच ओ एल ए एस सोलाटा ब्राकेट भितर लिख माने या पोस्टर पर देख लिख ना अंडरलाइन कर भल सोला फॉरेस्ट गुडा कहते हैं द टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिल्स ऑफ नीलगिरी अनामलाई एंड पालनी आर कॉल्ड सोलाज एस एच ओ एल ए एस एस एच ओ एल ए एस नीलगिरी अनामुलाई एंड पालनी आर कॉल्ड कौन एस एच ओ एल एस सोलास एस एच ओ एल एस आठ नंबर लिख द हिमालयन वेजिटेशन द हिमालयन वेजिटेशन द हिमालयन वेजिटेशन देखो हिमालय वेजिटेशन गुड़ाक हिमालय वेजिटेशन आम ब्रॉडली दि भाग विभक्त करवा गोटे ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन आ गए वेस्टर्न हिमालय वेजिटेशन वेस्टर्न हिमालय मैंने एपट सब मैंने जम्मू काश्मीर साइड एपट साइड ईस्टर्न हिमालय मैंने सेपट नॉर्थ ईस्ट साइड है लेख तो ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन को पुणी आम कौन करवा भी आमको छह भाग में विभक्त कराई ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन को सोटा लेख द ईस्टर्न हिमालय प्रथम हेडिंग दियो लेख द मैंने जो द हिमालय वेजिटेशन हेडिंग दल द हिमालय वेजिटेशन अरे हिमालय वेजिटेशन पर लिखो दिस वेजिटेशन इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स तापरे द प्रथम पार्ट लिखो द ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन एक नंबर लिख द ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन आउ ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन अंडर छटा पार्ट रहबो ताको ए बी सी डी करके ई एफ करके लेके लिखो हला द ईस्टर्न हिमालय वेजिटेशन अंडर रे ता त लिखो ए ए रे लिखो ए रे लिखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये लिख दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 900 मीटर ये 900 मीटर पर्यंत ए पेपर देखा जाए दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 900 मीटर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट लब लिख द इंपोर्टेंट वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट द इंपोर्टेंस वेजिटेशन मैंने प्लांट्स गुड़ाक सब है बा गच्छ गुड़ाक सब द इंपोर्टेंट वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल सिसम टीक साल कमा सिसम टीक कमा बाम्बोस एंड सबाई ग्रास एंड सबाई ग्रास बाम्बोस एंड सबाई घास पढ़ुते ना सबाई सबाई ग्रास बाम्बोस एंड सबाई ग्रास एस ए बी ए आई सबाई ग्रास जी आर एस एस तेणु द इम्पोर्टेंट वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल कमा सिसम कमा टीक कमा बाम्बोस एंड सबाई ग्रास सबाई ग्रास एटा हूँ कौन एटा ईस्टर्न हिमालयन वेजिटेशन अंडर एगुरा सब पढ़ुन छटा पार्ट तार अच्छे ए रे पढ़ले एटा तब बी लिख सबट्रपिकाल भेजिटेशन सबट्रपिकाल भेजिटेशन सबट्रपिकाल भेजिटेशन ये 900-1830 मीटर हाइट भितर जो प्रकार भेजिटेशन देखा जाए सबट्रपिकाल लिख मैंने पूरा हिमालय को बर्तमान हाइट अनुसार भाग भाग कराई प्रथम 900 मीटर हाइट पर्यंत आम कौन ट्रपिकाल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट तापर 900-1830 पर्यंत सबट्रपिकाल भेजिटेशन लिख एटा सबट्रपिकाल भेजिटेशन लिख दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 900-1830 मीटर लिख दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 900-1830 मीटर दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 900-1830 मीटर 900-1830 मीटर
तापर लिख ओक ओ ए के ओ ओ ए के ओ ओक है चेस्टनट ओक चेस्टनट एटसेट्रा आर द मेन ट्रीज हियर ओक ओ ए के चेस्टनट सी एच एस टी एन यू डी चेस्टनट ओक चेस्टनट एटसेट्रा आर द मेन ट्रीज। देख बर्तमान ट्रपिकाल गला सब ट्रपिकाल गला तापर आसो टेम्परेट तो लिख टेम्परेट टेम्परेट वेजिटेशन टेम्परेट वेजिटेशन लिख दिस वेजिटेशन इज फाउंड अप टू द हाइट अफ 1830 रु 2740 भितर जो प्रकार वेजिटेशन लिखा दौर से कम कह टेम्परेट वेजिटेशन मेन ट्री किए लिख मेन ट्री एग्जांपल है ओक ओ ए के ओक लिख मापल एम ए पी एल मापल तापर बीर्च बी आई आर सी एच मापल है एम ए पी एल मापल तापर बीर्च बी आई आर सी एच तापर मैग्नोलिया एम ए जी एन ओ एल आई ए मैग्नोलिया तापर आल्डर ए एल डी ई आर आल्डर एटसेट्रा है ओक मापल बीर्च तापर मैग्नोलिया आल्डर ए एल डी ई आर आल्डर एटसेट्रा एगुड़ा सब एग्जांपल जी मन रहा चेस्टा कर मन रखापी है एगुड़ा हूँ कौन टेम्परेट वेजिटेशन यहाँ 1830 रु 2740 मीटर भितर देखा जाए उपरू है टेम्परेट पर पुणी कोल्ड स्टार्ट हो पोलार रीजन टाइप रहा लिख कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन लिख कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन लिख कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन हो अल्टीच्यूड हम 1740 रु 2660 मीटर लिख कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन हो अल्टीच्यूड फ्रम 2740 रु 2740 मीटर टू 3660 मीटर लिख 2740 मीटर टू 3660 मीटर 2740 मीटर टू 3660 मीटर कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट है अल्टीच्यूड 2740 मीटर रु 3660 मीटर 2740 मीटर टू 3660 मीटर 2740 मीटर टू 3660 मीटर एगुटा हूँ कौन टेम्पर कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन मेन ट्रीज किए लिख मेन ट्रीज लिख गछ कौन लिखा जाए कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन कोनिफरस ट्रीज लिख कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन स्प्रूस एस पी आर यू सी स्प्रूस पाइन कमा एस पी आर यू सी स्प्रूस कमा डिओदार डीईओ डी ए आर डीईओ डी ए आर डिओदार तो प्रथम है कि कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन पी आई एन ई पाइन स्प्रूस एस पी आर यू सी स्प्रूस डिओडर डीईओ डी ए आर डिओडर एटसेट्रा एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब हूँ कौन मानने कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन है जोटा कि 2740 रु 3660 भितर देखा जाए दिस इज द लिख दिस इज ए बेल्ट अफ कोनिफरस फरेस्ट लिख 2740 रु 3660 जोटा तक कहते बेल्ट अफ कोनिफरस फरेस्ट लिख दिया दिस इज ए बेल्ट अफ कोनिफरस फरेस्ट दिस इज ए बेल्ट अफ कोनिफरस फरेस्ट दिस इज ए बेल्ट अफ कोनी फरेस्ट फरेस्ट दिस इज ए बेल्ट अफ कोनी फरेस्ट फरेस्ट दिस इज ए बेल्ट अफ कोनी फरेस्ट एफ ई आर ओ यू एस कोनी फरेस्ट फरेस्ट तापर लगे अल्पाइन वेजिटेशन तापर पुनी पोलर क्लाइमेट आसीगला तापर लगे अल्पाइन वेजिटेशन अल्पाइन वेजिटेशन लिख अल्पाइन वेजिटेशन लिख अल्पाइन वेजिटेशन लिख अल्टीच्यूड फ्रम 3660 रु 4876 लिख अल्टीच्यूड फ्रम 3660 मीटर टू 4876 48448876 3660 मान 3660 3660 अल्टीच्यूड फ्रम 3660 बा 3660 मीटर टू 4876 मीटर है ना यू बेल्ट को अल्पाइन वेजिटेशन सॉरी हाँ अल्पाइन वेजिटेशन यू कह अल्पाइन वेजिटेशन एथे कौन दौर मेन ट्री किए सिल्वर सिल्वर फिर एस आई एल वी आर सिल्वर एफ आई आर सिल्वर फिर जूनिपर सिल्वर फिर कमा जूनिपर जे यू एन आई पी ई आर जूनिपर सिल्वर फिर कमा जूनिपर जे यू एन आई पी आर जूनिपर है एटा सिल्वर फिर जूनिपर एगुटा हूँ कौन ना अल्पाइन वेजिटेशन
ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉପର ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ଯେତେ କୋଲ୍ଡ ରିଜନ୍ ଆସୁଛି ସେତେ ଆମର ଭେଜିଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଲପାଇନ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଦେଖିଲା ସିଲଭର ଫିର୍ ଜୁନିପର JUNIPER ଜୁନିପର ସିଲଭର ଫିର୍ ଆଉ ଜୁନିପର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଫ୍ରମ୍ 3660 ମିଟର ଟୁ 4876 ମିଟର ହେଲା। ତାର ମେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ ସିଲଭର ଫିର୍ SILVER ସିଲଭର ଫିର୍ FIR ସିଲଭର ଫିର୍ ଆଉ ରହିଲା ଜୁନିପର JUNIPER ଜୁନିପର ହେଲା ସିଲଭର ଫିର୍ ଆଉ ଜୁନିପର। ତାପରେ ଲେଖ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ ଏଫ୍ ଲାଷ୍ଟଟା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ ହେଲା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଫ୍ରମ 4876 5100 ହେଲା 5100 ଲେଖ 4876 5100 ମିଟର 4876 ମିଟର ଟୁ 5100 ମିଟର 5100 ହେଲା। ମେନ୍ ଭେଜିଟେସନ କିଏ ସେ ସ୍ମଲ ଶ୍ରବ୍ସ ସ୍ମଲ ଶ୍ରବ୍ସ ଶ୍ରବ୍ ମାନେ SHRUBS ସ୍ମଲ ଶ୍ରବ୍ସ ଗ୍ରାସ୍ ମସ୍ ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ମିଡ MEADOW ମିଡ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ MEADOW ଅଫ୍ ସଫ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ଲେଖ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ମିଡ ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ସମର ସମର ସମୟରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଖାଲି ବରଫ ହେଲା ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ସମର ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ସମର ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ ଦେଖ ଏଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟନ ରିଜନରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲା ଆମେ। ତାପରେ ଲେଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲେଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟନ ଭେଜିଟେସନ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛଅ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ ଲେଖ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟଜ ଆର୍ ଡ୍ରାଏର ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡର ଦାନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟଜ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ଆଉ ବେଶୀ କୋଲ୍ଡ ଏଠି ଦେଖ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟଜ ଆର୍ ଡ୍ରାଏର DRIER ଡ୍ରାଏର ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡର ଦାନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟଜ ଦାନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟଜ ହିୟର ଦେର୍ ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହିୟର ଦେର୍ ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ here there is scarcity of parasitic plants and ferns there is scarcity of parasitic plants and ferns in respect to the eastern himalayas in respect to the eastern himalayas eti ke parasitic plant au fern ro tie nathandi ba baki same to same pra hala other vegetations are found to be other vegetations are found to some extent like those in the eastern himalayas other vegetations are found to some extent like those in the eastern himalayas other vegetations are found to some extent like those in the eastern himalayas other vegetations are found to some extent like those in the eastern himalayas hela eta dekhile pura india ra gote prakara ma amra prakara dharana asila bata odisha ra tike lekha kan odisha ra specifically odisha ra bi bataruchi to odisha ra lekha are ebe 2022 ra asibar thila forest survey report of india indian state forest report 2022 ra asibo 2015 ra asila tapra 19 ra asila 2019 ରୁ 2020 2021 2022 ଆସିବ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି କିରେ ହଉ ଦେଖିନି ଚେକ୍ କରିନି ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରନ୍ତି ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ସବୁ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପରେ ତ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖେ ହୁଏ ନା 19 ପରେ ତ 19 ରୁ 20 20 ରୁ 21 ଗଲା 19 ରୁ 19 ସେଇଟା ହିଁ ପୁରୁଣାଟା ଯାହା ଥିଲା ତାପରେ ତ ହଁ ନା ଏବେ ଆସିବ ନା 22 ରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଣି ଆସିବ ଏବେ ପୁଣି ଆସିବ 22 ରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ହେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ଆମର ହେଇଯିବ ଖାଲି ଆମର ଲେଖିଦିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ ଦେଖ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରିଲିଫ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଲେଖିଦିଅ ଲେଖ ଲେଖ ଦେଖ ଭେଜିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ଭେଜିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ 22 ଆସିବ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତ ଭଲ କଥା ନା 19 ଦେଖିଯିବା ହେଲା ଲେଖ ଆସିଯିବନି ବୋଧେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖି ଚେକ୍ କରିନି ଆଉ ଲେଖ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରିଲିଫ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେସନ୍ ଟାଇପ୍
द फरेस्ट ऑफ ओडिशा आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स लेख बेस्ड ऑन रिलीफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन टाइप बेस्ड ऑन रिलीफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन टाइप द फरेस्ट ऑफ ओडिशा आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स द फरेस्ट ऑफ ओडिशा डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स एक नंबर लेख नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट लेख नॉर्दर्न ट्रॉपिकल आम नॉर्थ मान को साइड करेंगे बालेश्वर आ नॉर्थ मान को साइड नॉर्थ मान को करेंगे बालेश्वर आ मयूरभंज हला बालेश्वर मयूरभंज के उच्च आ लेख लेख नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट लेख 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 दीज अकर इन लोअर हिल्स एंड वैलीज दीज अकर इन द लोअर हिल एंड वैलीज अबव 600 मीटर एलिवेशन These occur in the lower hills of valleys, in the lower hills and valleys. These occur in the lower hills and valleys above 600 meter elevation in the forest division, in the forest divisions of. अमर कितना forest division अच्छी नहीं चल रहे? अरे DFO कितना कोस्टा अमर DFO? उड़ीसा कितना forest division? अरे उड़ीसा कितना forest division? हम जो अच्छी पूरा forest अच्छी आम टोटल ओडिशा कितना फॉरेस्ट डिविजन तीसटा तो आमर कराई सिविल डिस्ट्रिक्ट तीसटा आम ओडिशा आम कितना सिविल डिस्ट्रिक्ट तीसटा से भाला कितना फॉरेस्ट डिविजन आमर पचासटा फॉरेस्ट डिविजन ओडिशा जो मैं देख फॉरेस्ट्री ऑप्शनल अच्छी तुम तो फॉरेस्ट घर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पे पचारे इंटरव्यू बेले कितना फॉरेस्ट डिविजन पचासटा फॉरेस्ट डिविजन है तो कौ कौ फॉरेस्ट डिविजन देखा जाए देख सो दीज अकर इन द लोअर हिल्स ऑफ वैली जब 600 मीटर एलिवेशन इन द फॉरेस्ट डिविजन ऑफ इन द फॉरेस्ट डिविजन ऑफ मयूरभंज एलिवेशन इन द फॉरेस्ट डिविजन ऑफ मयूरभंज कमा ढेंकानाल कमा आठगढ़ कमा पुरी कमा नयगढ़ कमा पारलाखमुंडी कमा कोरापुट है लिख ल फॉरेस्ट डिविजन ऑफ मयूरभंज कमा ढेंकानाल कमा ढेंकानाल गोटे बड़ सीटा कि ढेंकानाल के जाइए कि तुम भर अरे तुम भर घर ढेंकानाल कि अच्छा अठा लेख इन द फॉरेस्ट डिविजन ऑफ मयूरभंज कमा ढेंकानाल कमा आठगढ़ कमा पुरी कमा नयगढ़ कमा पारलाखमुंडी कमा कोरापुट एंड कलाहांडी जो दुटा थी बोध उपर भाग ये जो 600 मीटर भितर ना उपर भाग गुड़ाक टी पत्र छड़ा दिखती कि तल गुड़ाक एवरग्रीन रुहत लिखि दि देखो व्हाइल द टॉप स्टोरेज ट्रीज इज टॉप स्टोरेज एस टी ओ आर ई वाई मैंने उपरी भाग गुड़ाक व्हाइल द टॉप स्टोरेज ट्रीज आर डेसिडुअस एंड रिमेन लीफलेस फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हाइल द टॉप स्टोरेज ट्रीज आर डेसिडुअस एंड रिमेन लीफलेस फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हाइल द टॉप स्टोरेज ट्रीज आर डेसिडुअस and remain leafless for a short time comma the second story is evergreen the second story is evergreen lekha the important tree species are the important trees kon lekha arjun arjun gacha ani je to are arjun gacha dekhisara nai arjun tar mango mango mangrove mangifera indica jar jar scientific naam mon rakhibo rakhi deithibo bele bele paduchi to arjun comma mango कमा मंकर 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 गस गोटे अच्छे कौन मंकर तापर केन्दु केन्दु हूँ डायस्पोरा एम्ब्रियोप्टेरिस डायस्पोरा ना डायोस्पाइरस डायोस्पाइरस मेलन जाइलन एक्चुअली मेलन जाइलन थी ये गोटे स्पेसीज कथा डायोस्पाइरस एम्ब्रियोस्पोरिस ये जो देखा जाए जो भेराइटा जो स्पेसीजा देखा जाए डायोस्पाइरस एम्ब्रियोप्टेरिस एम्ब्रियोटेरेसिस डी आई ओ डायो स्पाइरस एस पी वाई आर ओ एस डायो स्पाइरस ई एम बी आर वाई ओ ई एम बी आर वाई ओ एम्ब्रियोटेरेसिस पी टी आर आई एस एम्ब्रियोटेरेसिस डायोस्पाइरस एम्ब्रियोटेरेसिस केन्दुर साइंटिफिक नाम केन्दुर अच्छा ना डायोस्पाइरस मेलन जाइलन भी है तेणु यहाँ गोटे प्रकार स्पेसीज तार केन्दुर तापर चंपक चंपक गच भी देखा जाए चंपक गच चंपक राई मंडा नागेश्वर राई मंडा एंड नागेश्वर ये टाइप गच्छ सब देखा जाए नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट
राई मंडा आ नागेश्वर, चंपक राई मंडा नागेश्वर एगुड़ा सब देखा जाए नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रे। तापर सेकंड रे लिख ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बा मनसून फॉरेस्ट गुड़ा कौन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बा ब्रैकेट रे लिख मनसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बा मनसून फॉरेस्ट लिख ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बा मनसून फॉरेस्ट एगुड़ा लिख दिज अकर इन द लोअर एलिवेशन ऑफ मयूरभंज दिज अकर इन द लोअर एलिवेशन इन मयूरभंज एंड केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑन मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश मैंने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश अलग है ना लिख एंड एंड द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग छत्तीसगढ़ किए बॉर्डर करते कौ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा अरे ओडिशा कौ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर बॉर्डर करके अच्छा अच्छा एटा लिखिल तो कौन लिखिल एटा करे ए लिखिल एटा लिख लिख लोअर एलिवेशन इन मयूरभंज एंड केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट द लोअर एलिवेशन इन मयूरभंज एंड केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट एंड लिख एंड द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑन छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ किए किए छत्तीसगढ़ किए किए छत्तीसगढ़ बोधे नुआपड़ा नवरंगपुर नुआपड़ा नवरंगपुर मलकानगिरी नुआपड़ा नवरंगपुर मलकानगिरी गोटे छत्तीसगढ़ बॉर्डर करके आंध्रप्रदेश को बॉर्डर करके से मलकानगिरी भी कोरापुट भी सेपट भी कोरापुट मलकानगिरी गजपति एगुड़ा सब है रायगढ़ एगुड़ा सब हाँ एगुड़ा सब अच्छा देखिए द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग मध्यप्रदेश एंड आंध्रप्रदेश देख द टॉप कैनोपी इज फॉर्म बाय साल द टॉप कैनोपी इज फॉर्म बाय साल साल ब्रैकेट लिख सूर्य रबुस्टा बेले बेले पड़ी पारे सूर्य रबुस्टा एस एच ओ आर ई ए तापर रबुस्टा है आर ओ बी यू एस टी ए सूर्या रबुस्टा सूर्या रबुस्टा देख एगुड़ा तो रिटिन में पढ़ूनी जब रिटिन में पढ़ू था मेन एग्जाम तो यहाँ लिखिकी तले अंडरलाइन करा पड़ता कारण एगुटा इटालिक्स लिखा होता कार्लोस लिनियस बाइनोमियल करते ना अनुसार यहाँ एल डॉट भी लिखा हुए ब्रैकेट में आगे ना अंडर इटालिक्स लिखा कथ क्योंकि इटालिक्स तुम हैंड राइटिंग करेंगे से तले अंडरलाइन करा दीटा वार्ड को करा कथ क्योंकि तो पढ़ू ना ऑब्जेक्टिव पढ़ा गोल बुलेबार अच्छे देखिए तेणु सूर्या रबुस्टा मन रखी था खाली साल गचर साइंटिफिक नाम हो बटनिकल नेम इज सूर्या रबुस्टा द टॉप कैनोपी इज फॉर्म बाय साल एंड इट्स साल इज एंड साल सूर्या रबुस्टा ब्रैकेट रे एंड इट्स साल इज लाइक आसान कमा पियासाल कुरुम आसान कमा पियासाल कमा कुरुम कमा कांगरा एंड धवरा एंड धवरा लोक कहते धौरा साल पियासाल धौरा कहते ना ओडिया भरण सब धौरा कहते तेणु धौरा एंड दाबा बांबू एंड डब्बा बांबू डब्बा बांबूर साइंटिफिक नाँ हूँ बांबोसा अरुंडिनासिया लिखिदेव एटा डब्बा बांबूर साइंटिफिक नाँ है बांबोसा बी एम बि डब्लू एस ए बी एम बि डब्लू एस ए बांबोसा अरुंडिनासिया ए आर यू एन डी आई एन ए सी ई ए बांबोसा अरुंडिनासिया बांबोसा अरुंडिनासिया बी एम बि ओ बी एम बि डब्लू एस ए बांबोसा अरुण ए आर यू एन डी आई एन ए सी ए अरुंडिनासिया अरुंडिनासिया ताल पियासाल कुरुम कांगरा धौरा डब्बा बांबो एगुड़ा सब हूँ कौन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मनसून मनसून फॉरेस्ट है लिख ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लिख ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट गला ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट को मनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लिख लिख दिज अकर इन द ड्रायर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरियाज लिख दिज अकर इन द ड्रायर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरियाज दिज अकर इन द ड्रायर डी आर आई ईयर ड्रायर मैंने शुष्क ड्रायर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरियाज एरियाज इन द पार्ट्स ऑफ बलांगीर लिख इन द पार्ट्स ऑफ बलांगीर कमा कलाहांडी कमा संबलपुर
ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର କମା କଳାହାଣ୍ଡି କମା ସମ୍ବଲପୁର କମା ଖରିଆର ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଖରିଆର ଖରିଆର କେ ଏସ୍ ଆର୍ ଆଇ ଏ ଆର୍ ଖରିଆରଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି କିରେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ଟା ଆରେ ଖରିଆରଟା ହଁ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ ଖରିଆର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଖରିଆର ତାପରେ ଦେଓଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡିଭିଜନ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଶାଳ ବେଶୀ ଡୋମିନେଟ୍ ନୁହେଁ ଏଠି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଡୋମିନେଟ୍ ଏଠି ଲେଖ ଲେଖ ଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ଶାଲ ଲେଖ ଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ଶାଲ ଟିକ୍ ଟି ଏ କେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ଶାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋ ସାଲିଆ ଏସ୍ ଏ ଏଲ୍ ଆଇ ଏ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋ ବି ଏ ଏମ୍ ବି ଓ ଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ଶାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋ ଏସ୍ ଏ ଏଲ୍ ଆଇ ଏ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋ ବି ଏ ଏମ୍ ବି ଓ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୋର ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଡିଇ ଏନ୍ ଡି ଆର୍ ଓ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋ ସି ଏ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ୟୁ ଏସ୍ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଆଇ ସି ଟି ୟୁ ଏସ୍ ହେଲା ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନା କାହାର ମାନେ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ଡବା ବାମ୍ବୁ ଏଠି ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ଏସ୍ ଏ ଏଲ୍ ଆଇ ଏ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ବି ଏ ଏମ୍ ବି ଓ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ହେଲା ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଡିଇ ଏନ୍ ଡି ଆର୍ ଓ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋ ସି ଏ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ୟୁ ଏସ୍ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଆଇ ସି ଟି ୟୁ ଏସ୍ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡବା ବାମ୍ବୁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡବା ସେଠି କ'ଣ ସେଠି ଶାଳ କେଉଁଠୁ ଡବା ବାମ୍ବୁ କେଉଁଠି ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡ୍ୟୁସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଡ୍ରାଏ ଡେସିଡ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଶାଲ ଆଉ କ'ଣ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡବା ବାମ୍ବୁ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ ଟାଇଡାଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ଲେଖ ଟାଇଡାଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଟାଇଡାଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ଟାଇଡାଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇଡାଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଲେଖ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଲେଖ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ କମା ସ୍କାଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫାଇନ୍ଡ ଟୁ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ ସ୍କାଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫାଇନ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ ସ୍କାଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ କମା ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଭିତରକନିକା ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରେ ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ କ'ଣ ମ ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରକନିକା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖ ଭିତରକନିକା କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି କୋଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଭିତରକନିକା ଆଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଦ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଲେଖ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରି ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରି ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ କ'ଣ କାରିକା କାରିକାରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା କାରିକା ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରି ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ କାରିକା କେ ଆର୍ ଆଇ କେ ଏ କାରିକା ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା ବି ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟୁ ୟୁ ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ବି ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟୁ ୟୁ ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା କାରିକା କାରିକାରେ ତାର ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ବ୍ରୁକ୍ୱିଏରା ବି ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟୁ ୟୁ ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ହେଲା କାରିକା ତା'ପରେ ଲେଖ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀର କ'ଣ କିରେ ସୁନ୍ଦରୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନା କ'ଣ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନା କ'ଣ ହେରିଟ୍ରିଆରା ହେଲେ ଲେଖ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ହେରିଟ୍ରିଆରା ଏଚ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ଟି ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ଏଚ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ଟି ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ହେରିଟ୍ରିଆରା ଏଚ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଚ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ଟି ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ହେରିଟିଆରା 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 ଏଚ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ଟି ଆଇ ଇ ଆର୍ ଏ ହେରିଟିଆରା ତାପରେ ବାନୀ ବାନୀ ଗଛ ହେଲା ଆଭିସେନିଆ ବାନୀ କିଏ କିରେ ବାନୀ ବି ଏ ଆନ୍ ଆଇ ବାନୀ ବି ଏ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆଇ ବାନୀ ତା ଗଛ ହେଉଛି ଆଭିସେନିଆ ଏ ଭି ଆଇ ସିଇ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଏ ଭି ଆଇ ସିଇ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଆଭିସେନିଆ ଏ ଭି ଆଇ ସିଇ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଆଭିସେନିଆ ଏ ଭି ଆଇ ସିଇ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଆଭିସେନିଆ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ ରାଇ ଆର୍ ଏ ଆଇ ରାଇର ହେଉଛି ରାଇ ଚପରା
ରାଇର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ରାଇଜୋପରା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ରାଇ ଲେଖିକି ବ୍ରାକେଟ୍ ରାଇଜୋପରା ଲେଖ, ଲେଖ RHIRHIZOPHORA ରାଇଜୋପରା, ରାଇ ହେଲା RAI, ରାଇର ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ RHIZOPHORA ରାଇଜୋପରା, RHIZOPHORA ରାଇଜୋପରା ରାଇ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖ ଗୁଆନ, ଗୁଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗୁଆ ଗଛ GUAN ଲେଖ, ଗୁଆ GUAN, ତାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ଏକ୍ସୋକାରିଆ EXOCARIA, ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ଏକ୍ସୋକାରିଆ EXOCORIA EXOCORIA ଏକ୍ସୋକାରିଆ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ହେରିଟିଆରା ଆଭିସେନିଆ ରାଇଜୋପରା, ରାଇଜୋପରା ମାନେ ରାଇ ଗଛ, ଆଭିସେନିଆ ମାନେ ବାନି ଗଛ, ହେରିଟିଆରା ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୋଏନିକ୍ସ କହୁଥିଲେ, ଫୋଏନିକ୍ସ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ହେଲା, ଲେଖ ହେନ୍ତାଳ, ଆଜ ହେନ୍ତାଳ ଲେଖ, ଆଜ ହେନ୍ତାଳ ଲେଖ, ଆଜ ହେନ୍ତାଳ HENTAL, ଆଜ ଆଜ ହେନ୍ତାଳ HENTAL ହେନ୍ତାଳ ଲେଖ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖ ଫୋଏନିକ୍ସ ପାଲୁଡୋସା PHOENIX 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 ଫୋଏନିକ୍ସ, ଫୋଏନିକ୍ସ ପାଲୁଡୋସା PALUDOCA ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ଗୋଟା, କାହାର ହେନ୍ତାଳର, ହେନ୍ତାଳ ଗଛର, ହେନ୍ତାଳ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ କ'ଣ, ଫୋଏନିକ୍ସ ପାଲୁଡୋସା PHOENIX ଫୋଏନିକ୍ସ PALUDOCA ପାଲୁଡୋସା, ଫୋଏନିକ୍ସ ପାଲୁଡୋସା ଗ୍ରୋଜ ହିଅର ଲେଖ, ଆଜ ଫୋଏନିକ୍ ହେନ୍ତାଳ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଫୋଏନିକ୍ସ ପାଲୁଡୋସା ଗ୍ରୋଜ ହିଅର ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ, ଗ୍ରୋଜ ହିଅର ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ, ଗ୍ରୋଜ ହିଅର ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ, ଗ୍ରୋଜ ହିଅର ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ, ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଲୋକାଲି କଲ୍ଡ ହେନ୍ତାଳ ବନ, ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଲୋକାଲି କଲ୍ଡ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ହେନ୍ତାଳ ଫରେଷ୍ଟ, ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ହେନ୍ତାଳ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଲେଖ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖ, ଲେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିମ୍ବର ଫାୟାରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଲାଇକ୍ ସବାଇ ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାକ୍ ରେଜିନ୍ କ୍ୟାଟ୍ୟୁ ଲେଖିଦିଅ, ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍, ଲେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍, ତମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ବହି ଅଛି କିରେ, ଓଡ଼ିଶା ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ର ଲେଖ, ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ପୁରୁଣାଟା ଅଛି ବୋଧେ, ତମ ପାଖରେ କେଉଁ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ ହେବ ଦେଖିଦେବ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିବ ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା ଥିବ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ତମକୁ ନୋଟ୍ ଦେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ପଢ଼ିଦେବ ଆଜି। ଲେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଦ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଏ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିମ୍ବର ଫାୟାରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିମ୍ବର ଫାୟାରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ସବାଇ ଗ୍ରାସ, ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଲାଇକ୍ ସବାଇ ଗ୍ରାସ, ଦେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଏ ମେଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିମ୍ବର ଫାୟାରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସବାଇ ଗ୍ରାସ SABI ସବାଇ ଗ୍ରାସ କମା ଲ୍ୟାକ୍ LAC ଲ୍ୟାକ୍ କମା ରେଜିନ RESIN ରେଜିନ କମା କ୍ୟାଟେଚୁ CATECHU କ୍ୟାଟେଚୁ କମା ଟସର TASSER ଟସର ଟସର ସିଲ୍କ ଯେଉଁଟା ଟସର ସିଲ୍କ ଲେଖିଦିଅ ଟସର ସିଲ୍କ ହେଲା କ୍ୟାଟେଚୁ ରେଜିନ କାଟେ ଲ୍ୟାକ୍ କମା ରେଜିନ କମା କ୍ୟାଟେଚୁ କମା ଟସର ସିଲ୍କ କମା ହନି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଇଜ ହନି ହନି କମା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଇଜ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଛ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ତ ଭାଲିଏବୁଲ ଟିମ୍ବର ସ୍ପେସିସ୍ ଆର କ'ଣ ମାନେ ଟିକ୍ ହେଲା ସିସମ ହେଲା ରୋଜ୍ ଉଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ପିଆଶାଳ ହେଲା କାଶୀ ହେଲା କୁରୁମ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ଗମ୍ଭାରି ଗଛ ଗିରିଙ୍ଗା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିବାରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ଆଉ ଶାଳ ଆସାନ ଧାଉ ବନ୍ଧନ କାଙ୍ଗ୍ରା ଏରାକ ହେଉଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫର୍ ଭାରିଅସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କସ୍। କେନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କେନ୍ଦୁର ଆମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଏଠି ଡାଇଓସ୍ପାଇରସ୍ କାର୍ପସ୍ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଆମେ କ'ଣ ବିଡ଼ିରେ ବି ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ୱାର୍ପିଂ ବିଡ଼ି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରିଭିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଲାର୍ଜଲି ଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ବିଡ଼ି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ।
କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ନାମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଭିଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏତେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ବାମ୍ବୁ ତ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ର ମେଟେରିଆଲ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାମ୍ବୁ କାଫି ହେଉଛି, ସବାଇ ଘାସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପେପର ମିଲ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେରିକଲଚର ବି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିଦେବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁନି, ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭରି ତ ଲେଖା ହେଇ ତ ପଢ଼ିଦେବ ଯାଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଲେଖ, ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଲେଖ, ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲେଖ, ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ସ ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆବାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବସ୍, ଆବାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବସ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକ୍ସ ଭୂମିକା, ନକ୍ସ ଭୂମିକା କ'ଣ କୋଚିଲା, ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଜାଣିଛ ତ? ଆରେ ନକ୍ସ ଭୂମିକାର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ନକ୍ସ ଭୂମିକା ହଁ କାଫି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ନକ୍ସ ଭୂମିକା NUX ନକ୍ସ VOMICA ନକ୍ସ ଭୂମିକା, ନକ୍ସ ଭୂମିକା ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ୱାଇଡ଼ଲି ଇନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା। ଗୋଟେ ହେଲା ନକ୍ସ ଭୂମିକା ମନେ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା, RAU ରାଓ ଓଲଫିଆ WOLFIA ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା, SERPENTINA ସର୍ପେଣ୍ଟିନା, ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା, SERPENTINA ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଆଉ ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଥ ଆଣ୍ଡ କମନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କାଫି ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଆଉ ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା, ସର୍ପେଣ୍ଟିନା ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା, ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଆଣ୍ଡ ରାଓ ଓଲଫିଆ ସର୍ପେଣ୍ଟିନା। ଆଉ ବାକି ଯାଇକି ସେଇଥିରୁ ପଢ଼ିଦେବ ଫ୍ଲୋରାନ ଫୋଡ଼ା ଫନା ଚାପଟା ପଢ଼ିଦେବ ଟିକେ ଆମର, କାରଣ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ କି ଆମକୁ ଏକ୍ସପେସିଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ବହି କିଛି କିଣିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ଆମ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଓଡ଼ିଶା ବହି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ବହିମାନଙ୍କର ଅଛି କାହା ପାଖରେ, ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ କ'ଣ କିଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇନ୍ସେଟ୍ ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମର ଖାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଇଭିନ୍ ବି ମେନ୍ରେ ବି GS Paper 1 ଓଏସ୍ ମେନ୍ରେ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ବହି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି କିଣିଦେବ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବି ଏଇ ଆମର ଇଏ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ। କାରଣ କେଉଁଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଦେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ପଢ଼ିଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଆସିବନି, ଏବେ ଆମର ଆମ କାମ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ଭଲ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଯେତେ ଡେଣା ମିଳିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେ ଖାଉଛେ ଆମେ ସବୁ ହଜମ କରିପାରିବା ଦରକାର, କିଏ ଖାଇବାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ ଯିଏ ଖାଉଛ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହଜମ କରିପାରିବା ଦରକାର, ହଜମ ମିନ୍ସ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନା ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନା ଏଗୁଡ଼ା ମନରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ନୋଟ୍ ବି କାହିଁ ନୋଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଏଇ ରିଭିଜନ୍ ନାହିଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ପେପର ଆମେ ପୁରା ଡେଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମନେ ରହୁଛି ନା କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ସେଇଟା ଆମ କାମରେ ଆସିବ, ସବୁ ଥୋଡ଼ି ଆମ କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ସବୁ ତମେ ପଢ଼ିକି ଭୁଲିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଶୁଣ, କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଆପରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ କ'ଣ ନା ଇଏ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ହବ ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ୍, ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଓଲୋଜି ଅଛି ଜଏନ୍ କରିବ।